जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, सब कोई चाय पी के तैयार है और अभी मैं स्पेशली बनाऊंगी बैगन का भरवा। शायद में काम चल रही है तो इतना साउंड आ रहा है कि क्या बोलूँ, शायद मेरी वीडियो में आवाज धीमी पड़ जाए। दोस्तों आज मैं स्पेशली बनाने वाली हूँ बैगन का भरवा। उसके लिए मैंने छोटे छोटे बैगन मार्केट से मैं खुद खरीद के लाई हूँ चुन के, और इधर से टमाटर है और इधर से मिर्चा, धनिया, प्याज, लहसुन। दोस्तों इतना सारा मैंने लहसुन छील के रखा है, इसका अभी मैं ठेचा बनाऊंगी। दोस्तों बैगन भरवा बनाने के लिए देखिए मैं किस साइज से मैं बैगन का काटती हूँ। ये पूरा गोटा रहेगा, इसको इधर से जूम कीजिएगा थोड़ा बैगन में। ये देखिए ये दो पीस हो गए और बीच में और एक बार चला दूंगी ये देखिए, ताकि इसमें मसाला आराम से भर सके। ये देखिए ये चार टुकड़ा है ताकि इसमें आराम से मसाला इसको भर के किया जा सके। तो दोस्तों अभी मैं ये सारा बैगन काटूंगी, और दोस्तों इधर से मेरे भरवा के लिए सारे बैगन कट के तैयार हो चुकी है, और इधर मैं तुरंत टमाटर काट लेती हूँ। तीन चार टमाटर है, काट के तुरंत मैं तैयार कर लेती हूँ। और दोस्तों इधर से बना रही हूँ उपमा। अभी सुबह सुबह का नाश्ता, चाय पी हूँ, अभी उपमा जो बैगन का भरवा बनाऊंगी वो बनाऊंगी। पहले उपमा पहले चार चूल्हे लेती हूँ, उसके बाद का प्रोसेस जो है, जो भरवा बनाने का प्रोसेस है उसको चालू करती हूँ। और इधर से मैंने आप सभी को उपमा परोस दिया। अब जिसको जो लेना है तैयार। हाँ तो दोस्तों ये देखिए मैंने सारा बैगन ले लिया। इसमें मैंने मिलाया है लाल मिर्च, धनिया और नमक। नमक कम, धनिया ज्यादा और मिर्चें मीडियम। तो दोस्तों देखिए मैं पहले ऐसे बैगन को जो चार टुकड़े में बांटी हूँ, ये गोटा ही है, बस अंदर से चाकू चलाई हूँ। ये देखिए ऐसे करके भर के इसको हाथ से ऐसे करके मिला देना है। और ये हमारी बन गई बैगन का भरवा। अच्छा से मिलाएंगे, जितना स्वादिष्ट, जितना अच्छा से मिलाएंगे उतना टेस्टी लगेगी। ये बैगन का यही गुण है, जितना अच्छा से मिलाइए उतना टेस्ट बनेगा। तो दोस्तों मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने गैस चालू कर दिया। अब तेल दे रही हूँ, तेल इसमें थोड़ी ज्यादा लगती है, भरवा है ना तो थोड़ी सी ज्यादा देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जीरा दे देती हूँ, और इधर से मैंने सरसों रखा है, थोड़ी सी सरसों की दाना भी दे देती हूँ। ये भी तुरंत हो जाएगी, इससे थोड़ा दूर रहना क्योंकि बड़ी फूटती है। इधर से मैं डाल देती हूँ लहसुन, और दोस्तों अब मैं डाल रही हूँ आलू। इसको मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया आलू को, और ये जितना मसाला बचा हुआ था भरवा का वो मसाला डाल देती हूँ ताकि बेस्ट ना हो, सब्जी में भी लग जाए और टेस्टी भी बने। और दोस्तों जो जो कमियाँ थी, जैसे थोड़ी हल्दी कम हो गई, मसाला कम हो गई और ये कम हो गया, तो नमक कम हो गया, तो मैंने फिर से थोड़ा थोड़ा डाल दिया। तो इधर से मेरी मसाला आलू फ्राई हो चुकी है, अब मैं डाल देती हूँ टमाटर। और ये मैं धीमी आंच में कर देती हूँ, अब थोड़ी तेज कर देती हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो इधर से मेरी टमाटर देख सकते हैं बिल्कुल गल चुकी है, और ये मैं मसाला बनाई हूँ जो हरी मिर्च है, लहसुन है, और इसमें भुना हुआ नारियल है और थोड़ी सी अदरक है। ज्यादा मसाला मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले मैं लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और ये देखिए दोस्तों कलर, ओहो, और खुशबू इतनी सुंदर आ रही है कि क्या बोलूं, मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों इधर से सारा बैगन मेरे हाथों में है, इसको मैंने भर के रेडी कर लिया। अब एक एक करके इनके ऊपर छोड़ देती हूँ, और अभी बिल्कुल धीमी आंच में है, ये देख सकते हैं कितना
इतनी सुंदर सुंदर बैंगन है, देख के खाने का मन कर रहा है। सब्जी बन के तैयार ही नहीं हुई है, खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है। कुछ थाली में मसाला बच गया था, ये भी दे देती हूँ बस। अब इसको ऐसे करके मिला देती हूँ, इसको भी थोड़ी सी 5 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। बैगन को भी 5 मिनट फ्राई करूंगी ताकि अच्छा से मिल जाए, उसके बाद इसमें मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं 5 मिनट तक अच्छा से फ्राई कर लेती हूँ। 5 मिनट से फ्राई करने से क्या होगा, अच्छा से मिल जाएगी और थोड़े तेल का तेल लग जाएगी और थोड़ा भुना हुआ और टेस्टी लगेगी। इसके बाद मैं पानी इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों 5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया, 5 अब तो 2-3 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने धीमी आंच में फ्राई किया ना इसीलिए। और ये है वो जो मसाला है नारियल और ये मिला के, इसी में मैंने पीसा, तो इसी में थोड़ी पानी देखिए, इसी का पानी मैं दे रही हूँ, इसे मसाला का पानी है। और दोस्तों इधर से मैंने पानी दे दिया और इसको धीमी आंच में, आप देख सकते हो मेरे गैस में कितनी धीमी आंच है, मैं धीमी आंच में और 10 मिनट तक पकने दे देती हूँ। जैसे ही पक जाएगी उसके बाद उतार, तो मैंने पहले पकने दिया 2 मिनट, 2 मिनट के बाद मैं फिर से ओपन की और धनिया पत्ता दे देती हूँ। उसके बाद मैं 7-8 मिनट के बाद ये पक जाएगी, उसके बाद मैं नीचे उतार दूंगी। धनिया मैंने बाद में दिया ताकि इनकी खुशबू बनी रहे, और तभी अगर मैं फ्राई कर देती तो कहीं ना कहीं इनकी खुशबू थोड़ी कम हो जाती है। और दोस्तों अगर आप लोग को तेल कम यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो, हम लोग थोड़ा ज़्यादा तेल, मैं नहीं करती लेकिन यहाँ थोड़ा तेल खाने वाले लोग हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा तेल का यूज़ किया, लेकिन कम तेल में भी अच्छी थी। और दोस्तों फाइनली इधर से मेरा बैंगन का भरुआ सब्जी बनके तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और खुशबू तो इतनी अच्छी है बोलने की तरह नहीं। मैं तो पहले नहीं खाऊंगी, मैं पहले कभी नहीं खाती, पहले मम्मी या फिर गणेश जी खाते हैं उसके बाद मैं खाती हूँ। लेकिन पहले इन लोगों से मैं जरूर पूछूंगी कि आज मेरे हाथों की बैंगन भरुआ मतलब आप लोग को पसंद आया कि नहीं, तो टेस्ट तो लोग खा के बताएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये रही हम मेरी बैंगन भरुआ, ये रही और ये रहे। तो दोस्तों ये सब्जी मैं स्पेशली खाने वाली हूँ, बैंगन का भरुआ। और आप लोग भी अगर बनाना चाहते हो तो मैं तो वीडियो में आप लोग को दिखाई हूँ कैसे बनाना है, आप बनाइए और अपने पतिदेव का खास करके दिल जीतिए। तो मैं तो वही प्रोसेसिंग में हूँ कि मेरा पतिदेव का दिल मैं जीतते रहूँ। खाने में आज क्या खास है? आज खाने में खास वही बैंगन का भरुआ और इधर से बादाम की चटनी। अच्छा, जो मिर्चाई लहसुन दे के बनाई हूँ और धनिया पत्ता की दाल रोटी, और ये है आज बैंगन का भरुआ जो सबसे पहले मेरे गणेश जी, फिर मम्मी, फिर छोटू, फिर मैं। पहले थोड़ा थोड़ा ही देती, खा के देख लीजिए, जैसे अच्छा लगेगा बोलिएगा और मिलेगा। बैंगन की सब्जी भरवा है ना, बैंगन की भरवा मसाले वाली, मसाले वाली वो। थोड़ी सी ये वाला इसी में टेस्टी लगता है, रसा आप लूँ? हाँ मैं भी लूँगी, अरे मैंने लिया ही नहीं। आलू गया है? आया है, बहुत है उन पे, छोटी छोटी के थाली पे देखिए आलू गया है, आलू है। आज सबसे पहले मम्मी खाएगी, मम्मी खा के बताइए तो कैसा बना है। अच्छा नहीं भी बना फिर भी तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही मिलेगी कहा के पहले देखिए अच्छी नहीं बनाई, बहू के खराब बनाती है पता नहीं, क्योंकि मैं तो पहली बार बना रही हूँ ना। हम लोग बैंगन भरुआ ज्यादातर सब्जी बनाते हैं और यहाँ आप ही से सीखी हूँ बैंगन भरुआ, बहुत अच्छी बनी, बनी अंदर गया ही नहीं को लग गया। अब आप हाँ खाए पहले, देखिए मेरे सामने खाइए, तो हमको तो डाउट है आपके ऊपर। अच्छी बनी, गजब। हाँ चावल के साथ भरो बैंगन खाएगा, बाप बोली सुंदर मैं बनाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। चावल के साथ और टेस्टी लगते, लेकिन आज हमारे घर में वही बोली मसाले। आज क्या है जी? एकादशी के दिन हम चावल नहीं बनाते, आज एकादशी है तो एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं बनाते, मेरे चावल के साथ ही सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। तो ही दोस्तों
आपने देखा मैंने आज स्पेशली बैगन का सबका दिल जीत लिया। ऐसे ही मैं सबका दिल जीतते रहूंगी और अच्छा अच्छा खाना बनाते रहूंगी। तो अब आपको लगता है कि नहीं कि आपके छात्र छाया में मैं भी आ गई हूँ? जी बिल्कुल। हाँ, आप अब ये नहीं बोलना कि मैं अकेला टेस्टी खाना बनाता हूँ। नहीं, मैं तो बनाता हूँ थोड़ा। अरे अब मैं भी बनाने लगी ना, वो बोल रही अब मैं बनाने लगी ना। मेरे से भी डबल टेस्टी बना रही, क्योंकि टेस्ट प्लस टेस्ट इज इक्वल टू डबल टेस्ट। ओहो। तो दोस्तों आई होप आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया है, बैगन का भरुआ वाला पसंद आया। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, जय झारखंड।